रक्षा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज रक्षाज इंग्लिश क्लब। तो आज हम देखने वाले हैं कि आफ्टर क्लियरिंग सीटेट हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हम किन स्कूल्स के लिए एलिजिबल हैं और आखिर सीटेट का इतना इम्पोर्टेंस है क्या, और क्या सीटेट पास करने वालों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं जितने भी डाउट्स हैं आज हमें उन्हें क्लियर करना है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके, सो आफ्टर क्लियरिंग द सीटेट आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या बिना सीटेट हम किसी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन जो सीटेट क्लियर हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज अल्टीमेटली सीटेट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ आर टीचर एलिजिबिलिटी। ओके, एज इट्स फुल फॉर्म इज Central Teacher Eligibility Test. Yes, this central word refers that you got more importance in the central job. Okay, central government teacher job. Next is headmaster. Yes, suppose on the basis of CTET, you have got a good post. Or you have got the assistant teacher, primary teacher, senior secondary teacher post. But see, the CTET is the मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ विच आप किसी भी स्कूल में एक अच्छी पोस्ट को ले सकते हैं, क्योंकि सीटेट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड ईयर डाउन द लाइन विल बी ओपन फॉर यू टू बिकम द हेड मास्टर और टू बिकम द सुपीरियर ऑफ द एकेडमिक डिपार्टमेंट और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द कोऑर्डिनेटर। मीन्स मैनी गुड अपॉर्चुनिटी विथ अ हायर पोस्ट विल बी ओपन फॉर यू आफ्टर क्लियरिंग द सीटेट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी। गाइज यू वोंट बिलीव, अगर आपके सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एज वी नो फॉर द जनरल कैटेगरी 60% मार्क्स इज मिनिमम टू पास आउट द एग्जाम, लेकिन अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं, मीन्स 129 है, 130 है, मीन्स एक बहुत अच्छा आपका अगर स्कोर है, देन आप यकीन मानिए कि आपका सैलरी जो है वो पर एनम 1.5 लाख जाने वाला है। ओके, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्कूल। ओके, नेक्स्ट इज किन किन स्कूल्स के लिए, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिनके लिए हम आफ्टर सीटेट अप्लाई कर सकते हैं और हम उनके लिए एलिजिबल हैं। सो गाइज ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स जॉब वी कैन अपीयर फॉर, लाइक KVS, NVS, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी टीचर की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए, ERDO, DSSSB, अभी MPTET भी आ गया है, और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस। यस, प्राइवेट स्कूल में भी आजकल सीटेट की मार्कशीट को बहुत प्रेफरेंस मिलने लगा है। आई हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैकेज और बहुत अच्छा पोस्ट इसके बाद मिलता है। वैलिडिटी इज लाइफ टाइम। यस, मीन्स लाइफ लॉन्ग, वंस इफ यू पास द एग्जाम यू आर क्वालिफाइड फॉर द लाइफ टाइम। ओके, UTs. So guys, I want to acknowledge you कि बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अब सीटेट एग्जाम को कंपलसरी कर दिया है, और विदाउट सीटेट क्लियरिंग वो आपको एक प्राइवेट जॉब के लिए भी एलिजिबल कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल, यस गाइज, KV में, नवोदय में, इवन अदर डिपार्टमेंट्स लाइक आर्मी टीचर, ERDO, DSSSB में जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो पोस्ट वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी अगर आपका इंटरव्यू में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन अगर आपका सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने गुड स्कोर किया है, डेफिनेटली आपको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि सीटेट वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और जब मैंने पहली बार कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए अप्लाई किया था, जस्ट बिकॉज कि उस टाइम मैंने सीटेट दिया भी नहीं था, आफ्टर गिविंग अ डैम ऑसम डेमो मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन माय रैंकिंग वाज 4th और 5th। सो सीटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा सैलरी चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट बिलो इन द बॉक्स। और आपको आगे क्या प्रेफरेंसेज हैं, किसी और चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे ट्यून विथ मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। Thank you.